फिलहाल अजीब लग सीन रहा है। ऐसा है कि हमारे को लगभग आधा घंटा हो चुका है, गाड़ी ओवर हो चुकी थी और अभी हम उतराई महल चलती है। अभी कार्बोरेटर खोला है और देखते हैं, अभी पर इसमें पेट्रोल डालते हैं ना। हाँ इसमें डाल डाल दो। हाँ ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? सब सही चल रहा है? तो फिर आज नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:09। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं रामपुर के लिए। अभी सिर्फ यहाँ पे हमने पानी वगैरह पिया, मुंह वगैरह कुछ नहीं धोया, भाई बहुत ठंड है। रास्ते में एक जगह है, वहाँ पर जाके नहाएंगे। गैस करना कि यहाँ से रिकांगपियो के बीच में कौन सी जगह आती है जहाँ पे गर्म पानी का झरना है, चश्मा है, और वहाँ जाके हम नहा सकते हैं। बाकी आपको रामपुर के बाद बताते हैं सीन। हल्का सा ये टायर पंचर है, हवा कम हो जाती है, डेली बननी पड़ती है इसमें। कल से अपनी धनो जिस गर्म पानी के चश्मे की मैं बात कर रहा था वो है ठोबन में, जो रिकांगपियो से लगभग 12 किलोमीटर पीछे है नाको की तरफ। तो यहाँ पर अभी लोग ये कुछ कपड़े धो रहे हैं और ये कुछ यहाँ पर हिसाब नहीं है अच्छा से नहाने का, नहा नहीं सकते मतलब आप यहाँ पर आके। गौतम जी बेंडर मोहित, अरे पता क्या जो वहाँ है ना के भाई जी भाई, नहाना तो वहाँ पर हो नहीं पाया तो हम चलते रहे लगभग। अभी हमें हो गया चलते हुए 4 घंटे, टाइम हो चुका है 10:38। अब ब्रेकफास्ट करते हैं निचार ग्राम पंचायत निचार, जगह का नाम तो नहीं पता लेकिन ग्राम पंचायत निचार है, यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं। पराठा का ऑर्डर दिया है, पराठा भी आ चुका है अपना। तीन चाय पराठा का साइज देख रहे हो? हाउ इज द जोश? अभी टाइम हुआ है 1:02 और हम फिलहाल पहुंचे हैं नीरथ। नीरथ में है सूर्य नारायण एवं दुर्गा मंदिर। चलो सूर्य नारायण मंदिर के लिए रास्ता, ये प्रॉपर नीरथ में ही है। हाँ यही है मंदिर नीचे।
लोगों को इष्ट मान देती हैं, उनके लिए दत्तात्रेय स्वामी की स्थापना कर दो, ब्राह्मणों को जागीर देकर समर्पित किया गया। उसके बाद मिस गूगल बता रही है कि यहाँ से अभी लगेंगे 4 घंटे, हम इसे बहुत आगे आ चुके हैं और ये बिल्कुल सिंगल रो ग्रीन रो खराब है। सुबह 6:30 बजे कंटिन्यू चले रहे और हमारी धनो कोई जवाब नहीं, हमारी धनो का कुल्लू कहाँ रह गया तू कुल्लू। बगीचे, यहाँ पर आप बगीचे देख सकते हैं, सामने आप देख सकते हैं सेब के बगीचे। जिनके ऊपर ये नेट डाले हुए हैं ये सारे सेब के बगीचे हैं और यहाँ पर और भी ज़्यादा बगीचे हैं, बहुत ज़्यादा है। हम पहुँचे हैं अभी जलोरी पास से 3 किलोमीटर पीछे और यहाँ पर है बुरास के पौधे, बुरास के पेड़ बहुत सारे हैं। थोड़े से खाते हैं, दिखाते हैं आपको बुरास। बुरास गुलदस्ता बना लिया दिखाना यार, फोटो खींच लिया। फिलहाल सीन ऐसा है कि हमारे को लगभग आधा घंटा हो चुका है, गाड़ी ओवर हो चुकी थी और अभी हम उतराई महल 500 मीटर के आसपास, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। अब यूट्यूब पे देखा कुछ जुगाड़, तो देखते अभी चलती है या नहीं चलती है। अभी कार्बोरेटर खोला है और देखते अभी, पर इसमें पेट्रोल डालते हैं ना, इसमें हाँ ठीक है। अभी इसमें पेट्रोल डाला है, देखते अभी स्टार्ट होती है नहीं। कार्बोरेटर लगा रहे हैं अब, पहले सेल्फ मार लो ना एक बार, चेक तो कर लो। अपनी धनो स्टार्ट। टाइम हो चुका अभी 5:33, हमारे को भी लगभग कुल्लू पहुंचने में 5 घंटे, मतलब 4 घंटे तो मिनिमम लगेंगे। ये फायदा होता है, ठीक है छोड़िए छोड़िए छोड़िए, शाबाश धनो शाबाश। पेट्रोल डाल दे अंदर, ये सारी बोतल ना इसमें इसमें डाल दे, ये काम आएगा। और हमको यहाँ फिर से बर्फ मिल चुकी है, हम जलोरी पास मिल चुकी है बर्फ हो रही है और यहाँ खतरनाक सीन ये है कि बर्फबारी हो रही है और हम चले हुए हैं। ये टेक टू है और मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, हम जलोरी पास क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पीछे थोड़ी बर्फ भी थी और अब आपको बताएं तो बर्फ पड़ भी रही है और साथ साथ देख भी सकते हैं आप यहाँ को, ये देखिए जलोरी पास। हम रामपुर से अंदर की साइड को आए, अन्नी से आए और ये बहुत, यहाँ को 6-7 किलोमीटर ऐसी चढ़ाई है कि भाई थोड़ा मोशन में आए और बीच में थोड़ा रुकने का ना ही कष्ट करें तो बुरास के पेड़ देख के तो आप मन ना लग जाए, तो आप सुरक्षित टॉप तक पहुंच सकते हैं। और इसके टॉप पे यहाँ नेचुरल कैंप एक जगह भी है,
टाइम हुआ है 8:53 और हम अभी भुंतर में हैं। हम सुबह 6:30 से कंटिन्यू चले हुए नागपुर से। हम नागपुर से आए थे रामपुर बुशहर से अन्नी से होते हुए अब आए इधर भुंतर पहुँचे। अभी हम जा रहे हैं कुल्लू, वहाँ पर अभी होटल बुक किया है तो वहाँ पर जाकर देखते हैं। अन्नी से जो रोड आता है वो इतना गंदा रोड है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और फिर उतराई आती है एकदम बिल्कुल, तो वहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वैसे वहाँ पर बर्फ़बारी भी हो रही थी, यहाँ तो मौसम बिल्कुल साफ़ है, वहाँ तो बारिश हो रही थी और बर्फ़ भी पड़ रही थी ऊपर। तो अभी हमने यहाँ पर भुंतर में डिनर किया है और अब हम यहाँ से होटल के लिए निकल रहे हैं। देखते हैं फिर वहाँ पर जाके होटल में पहुँच के मिलते हैं आपसे, बाकी बातें वहीं पहुँच के करते हैं। लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है, हमारे को आधा घंटा और लगेगा अभी होटल पहुँचने में। तो अभी पहुँचते हैं होटल, फिर मिलते हैं। अभी 9:27 हो चुके हैं और हम अभी पहुँचे अपने रूम में। यहाँ पर होटल का नाम है सर्वरी। आज का सफ़र बहुत ही लंबा रहा, हम लगभग 415 किलोमीटर के आसपास चले। हम चले थे सुबह 6:30 नागपुर से, फिर वहाँ से आए रामपुर, रामपुर से आए अन्नी, अन्नी से आए कुल्लू। तो बहुत लंबा सफ़र, रामपुर के बाहर तो बहुत ही ज़्यादा बेकार और ख़राब रोड था, बहुत ही बेकार रोड। और जलोरी पास से आना, ओ भाई बिल्कुल सीधी चढ़ाई और उसका बिल्कुल नीचे को उतराई बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर बारिश हो रही थी और हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ रही थी, वो आपने देख ही लिया होगा अभी वीडियो में। तो हम सुबह 6:30 चले थे और अब 9:30 पहुँचे इधर। और हाँ, मैं स्पेशल थैंक करना चाहूँगा कामेश भाई को, जिन्होंने हमारे जितने भी रेस्ट हाउस थे फॉरेस्ट के, वो कामेश भाई ने हमारे लिए बुक किए थे। और यहाँ पर कुल्लू में हमारे लिए अनिल भाई ने ये सर्वरी होटल बुक किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी आपको कल लेके चलते हैं अटल टनल, वहाँ से चलेंगे खीरगंगा, फिर देखते हैं आगे क्या कुछ बनता है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय। आप अपना ध्यान रखो, हम अपना ध्यान रखते हैं।